बहुत बहुत स्वागत है आपका महासंग्राम का महाकवरेज मेगा कवरेज डिटेल्स के साथ ग्राफिक्स के साथ लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कहां गड़बड़ी आ रही है और वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक क्या रहे हैं, इस बारे में जानकारी पहले ही हम साझा कर चुके हैं। 10 बजे के वोटिंग परसेंटेज का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आशा के मुताबिक वो वोटिंग परसेंटेज फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है ललित बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों ना सीधे सिटी ऑफ लेक को लिए चलें, वहीं से जान लेते हैं क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे, वेलकम टू सिटी ऑफ लेक्स, बड़ा ताल पे इस वक्त न्यूज 18 आपको साक्षात लेकर पहुंचा हुआ है। वोटिंग के परसेंटेज भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए, एक एक सीट को डिकोड भी करेंगे किस तरह की स्थितियां। देख लीजिए मध्य प्रदेश में जानकारी की वोट चली आई, भोपाल में 7.13% मतदान, क्रूज 9 बजे तक, वोटिंग का क्रूज आ गया भाई। तो ये लगातार सीट को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक खास अंदाज न्यूज 18 इस बार अख्तियार करता हुआ इंदौर को लेकर जानकारी, 6.2% मतदान यहां पर, परसेंटेज में बहुत ज्यादा रफ्तार की जरूरत क्योंकि सुबह के सवेरे का वक्त जब आप बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए निकलते हैं और आशा हम यही करते हैं कि सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे, चूंकि ये स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए, ये मेंटेलिटी होनी ही चाहिए कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। सिटी ऑफ लेक्स में क्रूज के जरिए ये आंकड़े हम आपके सामने महज इंफॉर्मेशन के लिए नहीं रख रहे हैं, मकसद ये भी है कि इन आंकड़ों में इजाफे के लिए आप भी प्रयास करें। इंदौर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 6.2% मतदान, सुबह 9 बजे तक का ये अपडेट है। कहां कितना मतदान हुआ है स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए इसलिए पोर्ट्रे करने की कोशिश जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी सरकार को चुन सके। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, जबलपुर, जहां पर मतदान 5.14% हो पाया है। तो बड़े शहरों से छोटे नतीजे क्यों आ रहे हैं? आपको निकलना है, मतदान करना है, जानकारी का क्रूज, यही अलार्मिंग सिचुएशन है। बाहर निकलिए, मतदान करिए। आज अगर मतदान करेंगे तो अपना अधिकार हक से मांग सकेंगे, सवाल उठा सकेंगे, जनप्रतिनिधियों से पूछ सकेंगे। ग्वालियर आपको लिए चलते हैं, ग्वालियर की जानकारी की वोट आ गई 4.56%। ग्वालियर का मतदान और कमोबेश ऐसा लग रहा है अवंतिका हर जगह 10% से अभी कम है ओवरऑल, हालांकि 10% से ऊपर हो सकता है लेकिन अभी कम है। और लीजिए एक और वोट आ गई सीहोर से, सीहोर का यह आंकड़ा 12.11%, 10% चलिए आगे बढ़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन सीहोर जब ऐसा शहर नहीं है जिसपे आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर उनसे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन सीहोर अभी तक 12% मतदान, आगे और बढ़ने की उम्मीद है। छिंदवाड़ा की यह तस्वीर, 10.38% मतदान हुआ है, लगता है कि जनप्रतिनिधियों की अपील का असर यहां पर हो रहा है। आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले मतदान की लाइन में लग गए थे, सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करके बैठे और लगातार अपील भी कर रहे हैं। अगली तस्वीर नरसिंहपुर की, 13.86% मतदान। ये पैटर्न रहे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़े शहरों में तो इतना परसेंटेज नहीं गया है, छोटे शहरों में शायद मतदाता ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल, छोटे शहरों से बहुत बेहतर तस्वीर। और अब आपको भी निकलना है, भिंड का परसेंटेज आ गया 9.74%। सीधे सिटी ऑफ लेक से न्यूज 18 नेटवर्क आपको ये परफॉर्मेंस बता रहा है, या आपकी अपनी परफॉर्मेंस है, इसको सुधारना है। मतदान के नतीजे आने लगे हैं, मुरैना, सबसे पहले मुरैना का हमने आपको बूथ दिखाया था, आदर्श बूथ दिखाया था, 8.79% मुरैना के मतदान का ये परसेंटेज है। लगातार इसी तरीके से सीधे बड़े ताल, तालों में ताल, भोपाल ताल, और साक्षात न्यूज 18 आपको उस भोपाल ताल पर ले जा चुका है। वोटिंग के हम लगातार आपको परसेंटेज बता रहे हैं, 9 बजे तक मतदान के परसेंटेज हैं। सागर की बात अवंतिका के साथ, सागर 9.85% मतदान फीसद यहां से सामने आए, कुछ ऐसी जगह जहां पर अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि छुटपुट घटनाएं आप देखते हैं, कई बार बवाल की स्थिति, पत्थरबाजी से लोग डर जाते हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पर टेक्निकल डिफॉल्ट के चलते मतदाता वापस लौट जा रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी का अगला नजारा, उज्जैन 11.16% यहां से मतदान फीसद। मैं जान रहा था कि अगर उज्जैनी का जिक्र आएगा तो ये अवंतिका का जिक्र जरूर करेंगी, साक्षात अवंतिका हमारे साथ हैं और उज्जैनी को अवंतिका नगरी भी कहा जाता है और उज्जैन के आंकड़े भी आपने देख लिए। लगातार इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपके दिमाग में
सीधे ये चीजें, ये जानकारी आपके दिमाग में छप जाती है। अब सीधा आपको लिए चलेंगे रायपुर, बूढ़ा तालाब आपको लिए चलेंगे और वहां से छत्तीसगढ़ की जरा बात कर ली जाएगी। महासंग्राम 2023 जारी है, सिर्फ 23 के नजरिए से मत देखिए, 23 का ये महासंग्राम है और नतीजे इसके आगे तक असर करेंगे। रायपुर में जानकारी की बोट चली आई, आहा 6.54%। रायपुर क्या हुआ अवंती? मतदान को लेकर अभी भी वही हम लगातार कह रहे हैं कि जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रफ्तार भी आप देखिए न्यूज 18 की, पल में मध्य प्रदेश, पल में छत्तीसगढ़, पहले बड़ा ताल पर थे, अब सीधे बूढ़ा तालाब से आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं खास बोर्ड, खास ग्राफिक्स के जरिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप भी घरों से मतदान के लिए निकले। बालोद का ही नजारा, 5.11% वोटिंग बालोद में हुई है। बलौदाबाजार की स्थिति आगे चलकर आपको बताएंगे कहां कितना मतदान हुआ है, लगातार इस बारे में अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर ये आंकड़े बहुत ज्यादा महत्ता इसलिए भी रखते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प है इस बार का चुनाव, तमाम मुद्दे जो कि असर डाल रहे हैं और असर डालने वाला आपका मतदान भी है। इसी के चलते लगातार न्यूज 18 की अपील के व्हाट्सएप भी करिए हमें पिक्चर और अपने हक के लिए निश्चित तौर पर मतदान करना बेहद जरूरी। बलौदाबाजार का ये नजारा, 5.89% मतदान, ये कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मतदाताओं को जागरूक होने की और ज्यादा जरूरत है। सुबह सवेरे का वक्त है, ठंडे ठंडे में आइए, निश्चित तौर पर मतदान करिए और उसके बाद दिनचर्या भी जारी रखिएगा। बिलासपुर न्यायधानी 4.44% मतदान का ये आंकड़ा अगर बिलासपुर से आता है तो निश्चित तौर पर निराशाजनक है। 4.44% और अब हाई प्रोफाइल जिला जहां पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, 5.49%। दुर्ग से ये आंकड़े निकल कर आया, 9 बजे तक के मतदान के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तो रायपुर के तेलीबांधा बूढ़ा तालाब की वोट चले ना चले, न्यूज 18 की जानकारी की वोट चल रही है। फटाफट देख लीजिए कितना परसेंटेज वोटिंग आपने अब तक की और कितना परसेंटेज वोटिंग आपको करनी है। जांजगीर चांपा 5.74% मतदान अब तक हुआ है, घरों से बाहर निकलिए, छत्तीसगढ़ का ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड बंपर वोटिंग का है। एक और वोट चली आई कोरबा, हाई प्रोफाइल इलाका, अग्रवाल साहब आते हैं इस इलाके से, 6.46% वोटिंग कोरबा में। तो लगातार अवंतिका ये आंकड़ों के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि अब आपको निकल जाना है। रायगढ़ से अगली बड़ी जानकारी, 5.13% यहां पर आंकड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा रफ्तार की जरूरत यहां पर, चूंकि छत्तीसगढ़ का ये पैटर्न बिल्कुल नहीं रहा है। बीते दिनों हमने देखा 7 नवंबर को जब मतदान हुआ था, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच इतनी बंपर वोटिंग कि आपने देखा होगा कि 10% के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया था वोटिंग परसेंटेज ने, वहां पर 70 के ऊपर मतदान गया और यहां पर भी इसी प्रकार की उम्मीद है। उम्मीद यह भी की जाती है कि ग्रामीण इलाकों में चूंकि मतदाता जो है वो और ज्यादा जागरूक है, शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं आलस्य के जरिए, आलस्य के चलते मतदान करने के लिए सुबह सुबह नहीं निकलते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने मुद्दों को कितना तवज्जो देते हैं, किस राजनेता को कितना महत्व दे रहे हैं, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और किस मुद्दे ने कितना खेल दिखाया, ये भी आपके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा हो रहा है। छतरपुर से जानकारी, परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया गया है। तो रात 3 बजे विवाद हुआ, विवाद बढ़ते बढ़ते हत्या तक पहुंच गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति, रात 3 बजे विवाद हुआ था, परिजनों ने गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजनगर विधानसभा क्या कौना गांव के पास की घटना है, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। विवाद के दौरान समर्थकों द्वारा कई राउंड की फायर होने की भी खबर है, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और अब तक जो जानकारी मिली है, छतरपुर के जो प्रत्याशी हैं उनका ये करीबी भी बताया जा रहा है, संभवतः ड्राइवर होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है, धीरे धीरे ये पुष्ट होगा। लेकिन इसके चलते अब तनाव की स्थिति, भाजपा बनाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने, दोनों ही जो पार्टियों के समर्थक हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है कि वो फायरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मतदाता को डरने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के ये जो घटनाक्रम है, हंगामा है, उपद्रव है, वो एक तरफ, आप एकदम सुरक्षित हैं, घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। छतरपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हत्या का ये पूरा मामला है। विवाद बढ़ते बढ़ते रात को 3 बजे विवाद हुआ, विवाद बढ़ते बढ़ते हत्या तक जा पहुंचा। रात 3 बजे का ये विवाद जो कि अभी भी प्रभाव डालता हुआ, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, यही जानकारी सामने आती है। एक तरफ उत्साह ठीक बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से कानून को लांघना ये बहुत ज्यादा अगर आप देखते हैं तो चिंताजनक बात होती है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा छतरपुर में हुआ,
और इसी के चलते परिजनों की तरफ से भी हंगामा किया गया, हत्या के आरोप लगाए गए, मौत को हत्या बताया गया। बिल्कुल, और लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला भी आना जारी है। चंबल, ग्वालियर, चंबल अंचल, यहां से खबरें लगातार आ रही हैं। भिंड से बड़ी खबर का हम रुक कर रहे हैं, एक बड़ी खबर अभी आपने छतरपुर से देखी, और अब भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। भिंड से बड़ी खबर यह मिल रही है, प्रत्याशियों को नजरबंद करना पड़ा है। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया। राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, इनको नजरबंद करना पड़ा है। भिंड के सर्किट हाउस में इन्हें नजरबंद किया गया है। नजरबंद यानी आपकी गिरफ्तारी नहीं है, ना ये हिरासत है, लेकिन रहना होगा कानून की निगाहों के अंदर स्थितियों को देखते हुए। क्योंकि भिंड से आपने लगातार इस तरह की खबरें भी देखी, पथराव हुआ है, हंगामा हुआ है, कई जगहों पर फायरिंग जैसी घटनाएं भी हुई हैं। प्रत्याशी या समर्थकों की तरफ से कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो उसी के चलते सावधानी के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर ऐसा करना जरूरी होता है। क्योंकि मतदान लगातार चलता आ रहा है और इस प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आती है उससे निपटना भी सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होती है। तो प्रत्याशी को फिलहाल नजरबंद किया गया है। सुरक्षाकर्मी तमाम इस बात का जायजा लेते हुए कि मतदान केंद्रों पर पूरी अच्छी तरीके से मतदान होता रहे और किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि समर्थकों की तरफ से भी बवाल पैदा किया जा सकता है और इसी के चलते मुरैना से भी ऐसी जानकारी सामने आई थी। ग्वालियर चंबल अंचल, जिसमें अक्सर जब चुनाव होते हैं, भले ही चुनाव हो, किसी भी लेवल पर हो, उत्पात की खबरें, हंगामे की खबरें, फायरिंग की खबरें आम हो जाती हैं और इसी से निपटना एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए होता है। इसी के चलते कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। राकेश सिंह का नाम शामिल है, नरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, संजीव कुशवाहा हैं, जिन्हें फिलहाल नजरबंद किया गया भिंड सर्किट हाउस में। और दूसरी तरफ अगर भिंड में आप देखेंगे तो मतदान की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती हुई, छोटी मोटी घटनाएं लगातार चल रही हैं और इनसे निपटने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ नीचे डिस्प्ले में आपको कहां कितना मतदान हुआ है वो परसेंटेज भी हम दिखा रहे हैं और ये परसेंटेज दिखाने का मकसद यही कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो आप भी घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेताजी नजरबंद हैं, बसपा का खासा प्रभाव इस इलाके में, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजीव कुशवाहा नजरबंद कर दिए गए, नेताजी नजरबंद। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रवि रमन के पास आपको लिए चलेंगे। रवि रमन, नेताजी नजरबंद हैं, फोन चला रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दीजिए जरा जी। ललित, मैं आपको बताऊं कि भिंड जिले में 1476 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 569 संवेदनशील हैं, जिनमें से 379 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की इस बार प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्था की है, जिससे कोई भी चूक ना हो और जो भी मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई भी अवैध कार्रवाई की जाती है तो उसको कैमरे में नजर कैद किया जाएगा। लेकिन एक खास बात सामने निकल कर आ रही है कि भिंड सर्किट हाउस पर इस समय चाहे वो बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा हो या कांग्रेस से प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ साथ बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा, तीनों को इस समय सर्किट हाउस में बैठा दिया गया है और इस समय हम बात भी कर सकते हैं। तीनों प्रत्याशी इस समय अपने कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं पूरे चुनाव की, क्योंकि उनका मोबाइल चालू है और मोबाइल चालू होने के साथ साथ वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और इस समय हम मौजूद हैं भिंड के सर्किट हाउस में। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस समय चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो और बसपा प्रत्याशी जो कि वर्तमान में विधायक है संजीव सिंह कुशवाहा, चौधरी राकेश सिंह जी आपको नजरबंद किया गया, प्रशासन बोल रहा है नहीं किया गया, क्या है भाई? मुझे रिटर्निंग ऑफिसर भिंड ने कल फोन किया और जो एसडीएम भी है उन्होंने कहा था कि मैं सभी राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को सर्किट हाउस में 9 बजे से बिठालना चाहता हूँ। तो भिंड में ये परंपरा बन गई है, जो यहाँ प्रत्याशी होते हैं वो पोलिंग के दिन थोड़ी सी दादागिरी दिखाते हैं पोलिंग में जाके और मजबूरी में मुझे उसको काउंटर करना पड़ता है, तो वहां फिर झगड़ा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। प्रशासन अगर ये कह रहा है कि नजरबंद नहीं किया है तो मैं कह रहा हूं कि मुझे चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपनी स्वेच्छा से सर्किट हाउस में नहीं आ गया हूं, मुझे आरओ ने फोन किया था, मुझे
पुलिस के ऑफिसर ने कहा था कि 9 बजे सर आप जा रही हैं, तो वो मुझे लेके आए और मैं बैठा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतदान स्वतंत्र हो, हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट हमारे घूम रहे हैं, लेकिन अगर बाहर घूमेंगे और दूसरे प्रत्याशी अगर मतदान करेंगे तो मुझे उसका प्रत्युत्तर करना ही पड़ेगा। ये चुनाव है, इसमें किसी को लूटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना। सारे प्रत्याशी नहीं नजर कहती है, इस बात का कोई मलाल तो नहीं? राष्ट्रीय दल मैंने जोड़ दिया है कि राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को बिठाने की बात आपने मुझसे की। बाकी प्रत्याशियों से भी बात करिए। बीएसपी से जो प्रत्याशी है, बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा जो की वैसे वर्तमान में विधायक है, संजीव सिंह जी आपको नजरबंद किया गया, प्रशासन का कहना इस तरह नहीं किया गया। अब देखिए, ये तो आपको सामने दिख रहा है कि हम नजरबंद है कि नहीं, लेकिन ये प्रशासन का फेलुअर है। भाजपा के गुंडे हर बूथ पे, हर जगह, गली मोहल्लों में मतदाताओं को धमकाने का, उनको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरा प्रशासन काम कर रहा है। जो गुंडे बदमाश सजायाफ्ता हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि 3 दिन से हम प्रशासन से लगातार बिल्कुल इन लोगों को पकड़ो, ये मतदान प्रभावित कर। चलिए चलिए, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको भी वक्त की थोड़ी कमी है। दोनों नेता आमने सामने, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर नेताजी नजरबंद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रवि रमन, आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बताइए भला अवंतिका। निश्चित तौर पर, और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी भी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका रवि। आगे बढ़ते हुए जशपुर से अगली बड़ी जानकारी है, जहां वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में बवाल की स्थिति, यही स्थिति आप देख रहे थे भिंड में भी। मतदान पर्ची बांटने को लेकर झड़प हो गई है, बहस का वीडियो सामने आ चुका है। आपको ये बताएं कि अब इस वीडियो की चर्चा भी निश्चित तौर पर हो रही है, समर्थकों में भी इसी के चलते झड़प की स्थिति आप देख पाएंगे। चूंकि कई बार आप देखते हैं अमूमन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जब दोनों पार्टियों के समर्थकों में भिड़ंत होती है तब सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए जशपुर से, वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में बवाल की स्थिति है, पर्ची बांटने को लेकर विवाद हुआ, मतदान पर्ची को लेकर ये विवाद जो उपजा है वो इतना लंबा पहुंचा है कि सुरक्षा बलों को भी कमान अब संभालनी पड़ सकती है। वीडियो देखिए, ऊपर से आदेश मांगे आप सन्ना में, तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपस में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ते हुए भिड़ते हुए, चूंकि विवाद मतदान पर्ची को लेकर था, कोई भी व्यक्ति इसे लेकर पीछे नहीं हटना चाहता है। बीजेपी और कांग्रेस तमाम समर्थक, जिनके आप देखेंगे बहुत लंबे समय से विवाद की स्थिति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर आप देख रहे हैं, उत्साह एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ ये झड़प से जुड़ी खबरें। जशपुर की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मतदान पर्ची का विवाद और समर्थकों की झड़प। और अब लिए चल रहे हैं आपको बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से बड़ी खबर मिल रही है, बलौदा बाजार के भाटापारा मतदान केंद्र में अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ। आदर्श मतदान केंद्र में अगर ये स्थितियां हैं तो चिंता की बात, मतदान केंद्र तक शुरू नहीं हुआ है, मतदाता परेशान हो रहे हैं, ईवीएम में खराबी के चलते मतदान रोका गया है। बलौदा बाजार के भाटापारा से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, भाटापारा में अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। बड़ा अपडेट आपको बता दें बलौदा बाजार के भाटापारा से, 10:15 तक मतदान शुरू नहीं हो पाया, मशीन खराब है। बलौदा बाजार का भाटापारा केंद्र, बाकी जगह मतदान के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, वोटिंग के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। हैरत की बात, परेशानी की बात, चिंता की बात यह भी कि आदर्श मतदान केंद्र में, समझ रहे हैं आप, आदर्श आइडियल, वहीं अगर मतदान शुरू नहीं हो पाया है तो फिर बड़े सवाल उठते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं बलौदा बाजार से, बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा, आप अपना वोट डाल सकते हैं। तकनीकी खराबी का अब तक जो जानकारी मिली है, तकनीकी खराबी का हवाला वहां पर दिया जा रहा है, ईवीएम में खराबी के चलते मतदान रुका हुआ है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस पर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, अमित शाह ने लिखा है, आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की भूमि मध्य प्रदेश की प्रगति और यहां की जनता के हितों की रक्षा सिर्फ एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार ही कर सकती है। मध्य प्रदेश की सभी बहनों भाइयों और विशेषकर युवा मित्रों से अपील करता हूं, प्रदेश में विकास और सुशासन की यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए आप मतदान जरूर करें, अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, पहले मतदान फिर जलपान। ये शब्द है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, जो कि मध्य प्रदेश में रैली के दौरान आपको नजर आए थे, केंद्रीय नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ दौरे हुए और उसके बाद अपील का ये सिलसिला, सिलसिलेवार कई सारे ट्वीट्स, पहले छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी तरफ से अपनी तरफ से बात रखी गई और उसके बाद अमित शाह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सीधी अपील करते हैं आपके वोटर्स से कि एक ऐसी सरकार चुनने का काम करें जो लगातार आपके विकास के हित में सोचे। और इधर लगातार अपील का सिलसिला जारी है। आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर भी लिखा है, आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, और उन्होंने ट्वीट किया है, अमित शाह लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के सभी मतदाताओं से वो अपील करते हैं कि प्रदेश में तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार को समाप्त कर विकास, न्याय, गरीब कल्याण सुनिश्चित करने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय गौरव और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है बिलासपुर से, बिलासपुर आपको लिए चलेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, सेमरताल बूथ क्रमांक 85 की ईवीएम खराब होने की खबर है। तकरीबन एक घंटे से ईवीएम खराब है, मतदाता परेशान हो रहे हैं और परेशानी वाली बात ये, नाराज होकर वोट दिए बिना लौट रहे हैं। बिल्कुल नाराज मत होइए, थोड़ा धैर्य बरतिए, संयम रखिए, व्यवस्थाएं हैं, कभी कभी चूक जाती हैं, तो बिना वोट दिए आपको नहीं लौटना है। ईवीएम को अब तक बदला भी नहीं गया है, नाराज हो रहे हैं जो मतदाता पहुंचे हुए हैं। तकरीबन एक घंटे से मशीन खराब है और इसके चलते मतदाता वोटर जो है वो लौट रहे हैं। बिलासपुर के सेमरताल बूथ नंबर 85 का ये अपडेट है। लगातार ये खबरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संगीता जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार खबरें ईवीएम में खराबी की भी आ रही है मध्य प्रदेश में, हालांकि तमाम मुद्दे जिन पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन इस बीच वोटिंग परसेंटेज को लेकर तो कई बार सवाल उठते ही हैं, कई बार ईवीएम पर सवाल, लेकिन दूसरी तरफ कई बार इस तरह की चीजें जो कि वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं खराब स्थिति देखती हैं, आप इस चीज को किस तरह से देखती हैं? देखिए, वोट परसेंट बढ़ेगा, अभी सर्दियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकलेंगे, पर तो वोट परसेंट बढ़ेगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और इसी बदलाव को देखते हुए सबसे ज़्यादा अगर वोट कोई करेगा तो युवा मतदाता करेंगे। युवा चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और इसी वजह से वो 18.5 साल की सरकार को बाहर निकालना चाहते हैं, भाजपा की सरकार को, और कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। भाजपा वादे करती है परंतु वादों को पूरा नहीं करती है और कांग्रेस जो वचन देती है उन वचन को पूरा करती है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो माननीय कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार में उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, परंतु शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उस 27% आरक्षण को देने से साफ इनकार कर दिया। और कल ही एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज सामने आई थी कि जो इस मामले को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे जो एडवोकेट थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवराज सरकार चाहती ही नहीं है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। तो इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है और वो चाहता है कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्हें 27% आरक्षण मिले। तो इस तरीके से महिलाएं भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हर दिन ललित जी 17 बहनों के साथ रेप और गैंगरेप की घटनाएं होती है, महिलाएं चाहती उन्हें सुरक्षा मिले और महिला पुलिस भर्ती होना चाहिए। तो इस तरीके से संगीता जी एक रिएक्शन ले लेते हैं, का पूरा विश्वास है जितना, हां जितने छोटे छोटे जवाब रहेंगे उतने सारे हम सवाल कर पाएंगे। शिवम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्ला साहब आपका स्वागत। और पहला तो ये कि संगीता जी की कोई बात पर अगर आपका रिएक्शन हो, और दूसरा मेरा सवाल कि क्या जो ओबीसी फोकस्ड कांग्रेस की कैंपेनिंग है, आप उसका जवाब दे पा रहे हैं? शुक्ला साहब देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है विगत चुनावों में ही जो संगीता जी कांग्रेस के वचनों की बात कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता उस बात की साक्षी है कि 10 दिन में कर्ज माफी का वादा करने के बाद इन्होंने किस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता को छलने का काम किया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, जब कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग की बात करती है तो ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया इनको यह भी बताना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, काका कालकेकर की रिपोर्ट का विरोध किया,
राजीव गांधी जी ने सदन के पटल में खड़े होकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद उसके बहिष्कार की बात कही, तो यह तमाम चीजें भारत की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी वर्ग के नेताओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने का किसने काम किया। आज सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के मंत्री केंद्र की सरकार में हमारे मंत्रिमंडल में है। आज ओबीसी वर्ग को जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा किसकी सरकार के द्वारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया। निगम मंडल पंचायत के चुनाव में आरक्षण किसके द्वारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया। स्वाभाविक तौर पर ओबीसी वर्ग इन आकांक्षाओं की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही होती हुई देखता है और हमने ओबीसी वर्ग के इनका जो एक फॉल्स नैरेटिव चला। चलिए चलिए शुक्ला साहब, हम आएंगे आपके पास और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, दिलचस्प चर्चाओं के दौर भी चलेंगे अवंतिका, और लगातार महासंग्राम को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन आ सकते हैं।